नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों मैं प्रहलाद। दोस्तों आज मैं एक पोल्ट्री फार्म में आया हूं और यहां पे अधिकतर ये समस्या है कि यहां पे कुछ पंखे हैं जो काफ़ी धीरे चल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे जो काफ़ी पंखे धीरे चल रहे हैं उसका क्या उपाय करना है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों मैंने ये मास्क इसलिए पहन रखा है क्योंकि यहाँ पर सामने देख रहे हो मुर्गियाँ हैं, तो मुर्गियों की स्मेल आ रही है। मैं इस जगह अपन कभी आए नहीं है, इस कारण मास्क पहनना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों फटाफट मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या प्रॉब्लम है इन पंखों में। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो ये सीलिंग फैन है, ये फुल स्पीड में चल रहा है और इसी के पास में देखिए ये भी सीलिंग फैन है, फुल स्पीड में चल रहा है और ये सीलिंग फैन है जो कि इसकी स्पीड काफ़ी कम लग रही है। जैसे इस सीलिंग फैन के मुकाबले इसकी सीलिंग फैन की स्पीड कम है और दोस्तों इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। और दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, इसमें से सभी पंखों में से जो सबसे कम स्पीड वाला पंखा है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये पंखा है, इसकी सबसे कम स्पीड है। दोस्तों हम आज इसी की स्पीड को हम बढ़ाएंगे। तो दोस्तों कैसे बढ़ाएंगे, हमें पंखा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पंखा टका हुआ रहेगा। लेकिन सबसे पहला उपाय इसका ये है, हम इसमें कैपेसिटर चेंज करेंगे। कैपेसिटर तो नहीं होगा तो फिर हम इसकी बेयरिंग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर चेक करके देखते हैं, यानी कि इसका कैपेसिटर ही नया लगाएंगे। तो दोस्तों फटाफट इसका करते हैं कैपेसिटर चेंज। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेन सप्लाई के पास, तो मैं यहाँ पे पंखा सभी ऑफ कर देता हूँ, यहाँ लेके बंद कर देता हूँ, इनकी MCB डाउन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सभी पंखों की MCB डाउन कर दी है, सभी की एक ही MCB है तो इससे हमें खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर भी हमें सेफ्टी का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें नहीं पता न्यूट्रल की जगह फेस है, फेस की जगह न्यूट्रल है। तो ये हमें ध्यान में रखते हुए हमें पूरी सेफ्टी से ही चलना है। तो दोस्तों अब मैं ऊपर चढ़ता हूँ और इन पंखों के अंदर मैं एक कैपेसिटर लगाता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों यही वो हमारा पंखा है जो इसकी स्पीड सबसे कम है, इसी का हम कैपेसिटर चेंज करते हैं सबसे पहले। दोस्तों अभी हम पंखे के पास आ गए हैं, ये कवर है इसको पीछे कर ऊपर कर लेते हैं। ये दोस्तों ओरिएंट का पंखा है, इसमें यहाँ पे पेच नहीं है, किसी में यहाँ पे पेच होते हैं तो इसको हमें ऐसे ही ऊपर करना रहता है। अब जैसे ही दोस्तों ये कह रहा कैपेसिटर काफ़ी दूर मिनट लग गई है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। और ये रहा कैपेसिटर काफ़ी जाम है, ठीक है इसको मैं निकालता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं और इसकी जगह हम नया कैपेसिटर लगा देंगे जो कि हैवल्स कंपनी का है, इसको हम अब 8 देते हैं। ये एक कैपेसिटर का मैंने कनेक्ट कर दिया है और दोस्तों ये हैवल्स कंपनी का कैपेसिटर है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा हम वो भी कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है और हमने जो कैपेसिटर के वैल्यू लगाए 2.5, वैसे पुराना पंखा है तो यहाँ पे 3.25 का कैपेसिटर लगाना चाहिए, मतलब 3.15, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 2.5 कैपेसिटर लगाया। तो देखते हैं, उम्मीद है ज़रूर स्पीड बढ़ेगी, उम्मीद है इसकी स्पीड बढ़ेगी। चलो मैंने MCB ऑन करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया मेन सप्लाई के पास और दोस्तों मैंने यहाँ मेन सप्लाई है जो वो मैंने ऑन कर दी है। तो दोस्तों चलते हैं पंखों के पास। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो हमारे ये पंखे की स्पीड काफ़ी तेज़ बढ़ चुकी है। तो दोस्तों पंखों की स्पीड कैसे बढ़ाए, आप नया कैपेसिटर लगा दो, उसमें ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा सेकेंड वाला है, उसकी भी स्पीड कम है, उसकी भी हम स्पीड इसी तरीके से बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप पंखों की स्पीड बढ़ा सकते हो, पहले
पहले बार आप तो दोस्तों इसी प्रकार से आप पंखों की स्पीड बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों स्पीड बढ़ाने के लिए पहले बार आप कैपेसिटर चेंज करके देखिए, यदि अगर कैपेसिटर से चेंज नहीं स्पीड नहीं बढ़ती है तो उसके बाद आप ग्रीसिंग करके देखिए, क्योंकि इससे आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा और जो आपकी कंज्यूमर है उनका भी समय वेस्ट नहीं होगा। और ये भी नहीं कह सकते कि वो हमारा इलेक्ट्रिशियन आया और हमारा पंखे को सही नहीं किया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप पंखा रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर कुछ ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।